Hello and welcome to all on Aadhaar Academy. So we are continuing our discussion on the impact of JET. So this is the lecture number 3 and we are going to discuss force exerted by the JET on an inclined flat moving plate. All right, so this is an inclined flat and moving plate. In the previous lecture, that is in the lecture number 2, we have discussed impact of the jet on a moving flat plate. Only it was moving flat plate where jet was striking at the center of the plate, vertical plate थी यहाँ पे. Now it is make it have a, it is its orientation, it is inclined at certain angle from the direction of the Z, right? So this is the another case where we want to find out the force exerted by the Z. So let us first look what we have did in the lecture number 2. So for a flat plate, suppose if this was the plate and somewhere here we have a nozzle, यहाँ पे हमने नोजल प्लेस किया था, and the Z coming out through this nozzle with velocity u, it was hitting this plate. Let this plate is also moving with velocity u in the direction of the z. All right, so capital V, it's absolute velocity of the z, and a small v, velocity of the plate. And this plate is moving in the direction of the z. जिस डायरेक्शन में z है मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये प्लेट भी मूव कर रही है. सो इन दैट केस द फोर्स एग्जर्टेड बाई द जेड इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज इफ आई सेट दिस एक्सिस एज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, सो बाई दिस जेड जो ये जेड नोजल से आ रहा है, सो दिस जेड इट एग्जर्टिंग अ फोर्स, और वो ये था एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए वी माइनस यू स्क्वायर. एंड वर्क डन बाई दिस जेड, उसका एक्सप्रेशन ये था. दैट मीन्स फोर्स ये कैसे आता है, सो इफ यू मल्टीप्लाई द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन टू द वेलोसिटी ऑफ जेड, जेड की वेलोसिटी से अगर हम एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, सो वी गेट द वर्क डन बाय जेड. दिस वाज द वर्क डन बाय जेड और जेड पावर, वर्क डन बाय जेड पर सेकेंड. दिस वाज एब्सोल्यूट, दिस वर्क डन पर सेकेंड. ऑल राइट, सो ये वर्क डन का इक्वेशन है. तो पहले फोर्स निकालेंगे, फोर्स एग्जर्टेड बाय जेड, देन वर्क डन बाय दी जेड, एंड देन वी हैव डिराइव दैट इज दी वी डिफाइन अ टर्म दैट इज व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ जेड. तो उसको हमने डिफाइन किया था वर्क डन बाय दी जेड, सो इट वाज द रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. सो आउटपुट वाज इन द फॉर्म ऑफ द वर्क डन बाय जेड. सो ये किसमें था, वर्क डन बाय जेड, एंड इनपुट जो था दैट वॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट. हमने क्या दिया जेट को, हमने जेट को काइनेटिक एनर्जी दी, और हमें क्या मिला, हमने जेट ने हमको वर्क करके दिया. सो वर्क डन बाई जेट ये हमारा आउटपुट है, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट ये हमारा इनपुट है. सो आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, उसको करने में वी गॉट दी एफिशियंसी ऑफ द जेट, और ये था 2u v माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई v क्यूब. एंड सिंस दिस एफिशियंसी इट इज द फंक्शन ऑफ ओनली यू, ये जो एफिशियंसी है इसका जो एक्सप्रेशन है इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू. वी वंस वी हैव फिटेड थ्रू अ पाइप सो एंड हेड, सो वी बिकम्स अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी. सो यू, सो दिस एफिशियंसी विल वेरी विथ एज वी चेंज द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट. सो फॉर ए मैक्सिमम एफिशियंसी हमने उसकी कंडीशन भी डिराइव की थी, दिस इज दी फॉर मैक्सिमम एफिशियंसी. सो कंडीशन वॉज वेलोसिटी ऑफ द प्लेट इट शुड बी 1/3 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द जेट, एंड द मैक्सिमम एफिशियंसी जो निकल के आई थी उस केस में इट वॉज द 8/27, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 30%. सो ये किसका डिस्कशन था, जब हमारे पास एक फ्लैट प्लेट था विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस मूव कर रहा था विथ वेलोसिटी यू. नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट सेम बट हियर नॉट अ फ्लैट मूविंग प्लेट बट वी हैव अ इंक्लाइन मूविंग प्लेट. ऑल राइट, सो
Let us look. This is the diagram, or you can say this is our plate. Let call this is a our plate, and let this we have a nozzle. All right, this is our nozzle, and let the diameter of this nozzle is small d. जो इसका डायमीटर है स्मॉल डी. द जेट कमिंग आउट थ्रू दोस दिस नोजल, लेट इट्स वेलोसिटी इज कैपिटल वी. कैपिटल वी इज द वेलोसिटी ऑफ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द जेट. लेट दिस प्लेट इट मेक्स फ्रॉम दिस एक्सिस इट मेक्स सर्टेन एंगल. लेट वी आर कॉलिंग दिस एंगल एज अ थीटा. ऑलराइट, थीटा इट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द जेट. लेट दिस इज द एक्सिस ऑफ द जेट. And let this plate moves in the direction of the z. So this plate is moving in the direction of z with velocity small u. All right. So capital V, let me write symbol. Capital V, it is the absolute velocity of the z. Z कितनी velocity से nozzle से निकल रहा है वो capital V है. Small u, it is the velocity of plate. Velocity of plate, but in the direction of z. This is important again, in the direction of z. जिस direction में z की velocity है, same direction में we have the velocity of the plate, and it is small u meter per second. Let small d be called as a diameter of z. All right, small d. जो यहां से जेड निकल रहा है इट्स डायमीटर इज स्मॉल डी. ऑल राइट, स्मॉल डी. एंड लेट थीटा, व्हाट इज थीटा? सो थीटा, वन मोर सिंबल. सो थीटा इट इज द एंगल बिटवीन जेड एंड द प्लेट. सो इट इज द एंगल एंगल बिटवीन जेड एंड प्लेट. ऑलराइट, ये जेट की जो एक्सेस है ये एक्सेस जेट की है. दिस इज द एक्सेस ऑफ द प्लेट एंड इन बिटवीन दिस एंगल वी कॉलिंग एज थीटा. ऑलराइट, अगेन जो एजम्पशंस हमने वहां पे एज्यूम किए थे ऑल वी हैव टू एज्यूम हियर आल्सो. दैट मींस दिस प्लेट इज अ स्मूथ सरफेस. सो इट इज अ स्मूथ एंड finished surface. Can say, you can say this is a highly finished surface, smooth surface. उसकी वजह से क्या होगा, स्मूथ सरफेस की वजह से क्या होगा, देर विल नॉट बी एनी फ्रिक्शनल लॉसेस. सो देर विल बी नो फ्रिक्शनल लॉस. ऑल राइट, प्लेट है, प्लेट की सरफेस जो है इट इज हाईली पॉलिश और इट इज हाईली स्मूथ सरफेस. एंड बिकॉज ऑफ दैट इस सरफेस के ऊपर जब वाटर फ्लो करेगा सो ऑब्वियसली उस फ्रिक्शन की वजह से, दैट मीन्स द शियर स्ट्रेस की वजह से कोई लॉस नहीं होगा. वो एज्यूम करके हमको सॉल्व करना है प्रॉब्लम को. सो इफ वी टेक, इफ आई टेक इन वन सेकेंड, सो वन सेकेंड में दिस जेट जेट कितना मूव करेगा. सो दिस जेट विल मूव अ डिस्टेंस वी while this plate it will move a distance by u. ठीक है, u क्या है, u is the velocity of the plate. so plate एक सेकेंड के अंदर कितना आगे मूव कर जाएगा, ऑब्वियसली इट विल मूव थ्रू अ डिस्टेंस u. सो यहाँ पे दूसरी कंडीशन ड्रॉ की हुई है. सो आफ्टर सम टाइम ये प्लेट, आफ्टर वन सेकेंड ले लेते हैं, सो वन सेकेंड के बाद में दिस विल बी द पोजिशन ऑफ द प्लेट. ऑल राइट, प्लेट कहां पे होगा, यहां पे होगा. दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द प्लेट. ऑलराइट, जेड यहां से निकलेगा, जेड यहां से निकलेगा एंड ये कितनी वेलोसिटी से इस प्लेट को हिट करेगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी. सो वी हैव टू टेक रिलेटिव वेलोसिटी क्योंकि ये प्लेट भी मूव कर रहा है एंड द जेड बोथ आर इन द मूविंग फ्रेम. सो वी विल टेक द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द जेड. So I will write what will be the relative velocity of z striking the plate. z striking the plate, ये
जेड कितनी वेलोसिटी से प्लेट को स्ट्राइक करेगा, लेट दैट वेलोसिटी इज वी आर, सो इट विल बी ऑब्वियसली हियर वी इज ग्रेटर देन यू. अगेन अगेन वन मोर एजम्पशंस, वी इज ग्रेटर देन यू, सो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी वी माइनस यू. ऑल राइट, ये v वेलोसिटी से z जा रहा है, दिस प्लेट इज मूविंग विथ वेलोसिटी u, सो द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी v माइनस u, सो दिस z विल हिट दिस प्लेट विथ वेलोसिटी v माइनस u, सो ये कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, सो इट विल हिट दिस प्लेट विथ वेलोसिटी v माइनस u, एंड आफ्टर हिटिंग एक स्ट्रीम में ये डिवाइड हो जाएगा, वन विल गो अप साइड एंड वन विल गो डाउन साइड, ये इस तरह से ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा. एंड लेट मी चेंज द कलर, सो वी अपवर्ड वेलोसिटी, अपवर्ड कितनी वेलोसिटी से मूव कर जाएगा, सो इट विल मूव विथ वेलोसिटी वी माइनस यू, जितनी वेलोसिटी से ये हिट करेगा सेम वेलोसिटी से इट विल गो अवे फ्रॉम दी, इट विल लीव दी प्लेट विथ सेम वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से हिट करेगा उतनी वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा. क्यों? क्योंकि ये दो एजम्पशंस वैलिड है, सो अगेन इट विल लीव विथ वेलोसिटी वी माइनस यू, ऊपर भी वी माइनस यू एंड डाउन साइड इट विल बी मूव विथ वेलोसिटी वी माइनस यू. ऑल राइट, सो लेट मी राइट व्हाट विल बी द मास फ्लो रेट. हमने लिख दिया रिलेटिव वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से ये जेड को, जेड जो है प्लेट को स्ट्राइक करेगा, सो व्हाट विल बी द मास फ्लो रेट. सो मास फ्लो रेट दैट इज एम डॉट, सो एम डॉट कितना होगा, रो ए एंड वी विल टेक रिलेटिव वेलोसिटी. मास फ्लो रेट का इक्वेशन क्या होता है, रो ए वी वी, बट यहाँ पे वी विल कंसिडर रिलेटिव वेलोसिटी, सो इट विल बी रो ए एंड वी आर इट विल बी वी माइनस यू, सो दिस विल बी द मास फ्लो रेट. ये मेरा मास फ्लो रेट है, इतना केजी पर सेकेंड वाटर इस प्लेट को पर सेकेंड हीट कर रहा है, कितने केजी वाटर यहाँ से जेड से जो वाटर निकल रहा है, सो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द वाटर हिटिंग द प्लेट पर सेकेंड दिस मच केजी ऑफ वाटर इज हिटिंग द प्लेट, सो एम डॉट आ गया. हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स एग्जर्ट, कितना फोर्स ये एग्जर्ट करेगा, सो जिस तरह से हमने इंक्लाइन प्लेन में फाइंड किया था, वी विल राइट दी फर्स्ट, वी विल राइट दी बिकॉज इट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द प्रेशर, सो वी विल राइट दी फर्स्ट फोर्स एग्जर्टेड इन द नॉर्मल डायरेक्शन, सो लेट दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन, ये दिस इज, ये ड्रॉ किया हुआ है, सो लेट दिस इज योर एफ एन, सो नॉर्मल डायरेक्शन ये है. नॉर्मल डायरेक्शन में पहले हम प्लेट को कितना फोर्स एग्जर्ट होगा वो फाइंड करते हैं, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, सो एफ एन पहले फाइंड करते हैं, एफ एन फाइंड कर, तो कैसे फाइंड करेंगे, सो लेट मी नॉर्मल नॉर्मल फोर्स ऑन द प्लेट. ऑल राइट, नॉर्मल फोर्स ऑन द प्लेट, सो उसके लिए कैसे लिखेंगे, सो एफ एन विल बी एम डॉट, जो हमारा पहला इक्वेशन था, एफ एम डॉट वी विल राइट वी एन वन माइनस वी एन टू, वी आर राइटिंग दिस इक्वेशन, हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एम डॉट वी एक्स वन माइनस वी एक्स टू, ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन ये थी, एक्स डायरेक्शन में फोर्स फाइंड करना है तो एफ डॉट एंड मल्टीप्लाई वी एक्स वन दैट इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बिफोर हिटिंग द प्लेट एंड द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग द प्लेट, वी एक्स वन बिफोर एंड एक्स टू आफ्टर, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर. सिमिलरली हमको नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लिखना है, सो वी विल राइट फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन, सो एम डॉट वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन बिफोर हिटिंग द प्लेट, वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन बिफोर हिटिंग द प्लेट माइनस वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग द प्लेट, सो ये आफ्टर है दिस इज बिफोर. नाउ व्हाट इज वी एंड वन, सो वी एंड वन के लिए क्या करेंगे, सो यहां से लेट मी राइट ये वेलोसिटी कितना हो गया इधर, दिस इज वी माइनस यू,
यू वेलोसिटी तो जेड की है एंड सॉरी वी वेलोसिटी जेड की है एंड यू वेलोसिटी प्लेट की है, सो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन विल बी वी माइनस यू। ये एंगल थीटा है, सो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस थीटा थीटा, सो ऑब्वियसली दी एंगल ये नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये एंगल क्या है थीटा, तो ये कितना हुआ थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये पूरा क्या है राइट एंगल है, लेट मी ड्रॉ दिस, ये क्या है दिस इज 90 डिग्री, ये राइट एंगल है, सो दिस इज ये पूरा राइट एंगल होगा, ये पूरा राइट एंगल होगा, उसमें से ये थीटा है, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। सो लेट्स टेक कंपोनेंट ऑफ वी माइनस यू ऑन दिस एक्सिस, नॉर्मल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, सो दिस विल बी ये v माइनस यू है, सो दिस विल बी v माइनस यू, राइट एंगल हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस पे परपेंडिकुलर हो गया, सो दिस विल बी v माइनस यू, लेट मी राइट, सो दिस विल बी v माइनस यू एंड कंपोनेंट विल बी cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल, ये दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये पूरा v माइनस यू है, सो इट्स कंपोनेंट विल बी v माइनस यू cos 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, और इट इज इक्वल टू v माइनस यू cos 90 माइनस थीटा, सो इट बिकम्स sin थीटा। Alright, so v minus u sin theta, it is the velocity of z in normal direction before hitting the plate. इस direction में velocity है, normal direction में velocity है, before hitting the plate, v minus u sin theta. और hit होने के बाद में क्या है, velocity normal direction में है, कोई इस direction कोई velocity है, नहीं, it is always इस direction में velocity होगी. So after hitting the plate, it will be zero. So V n one यहाँ पे क्या है? V n one क्या है? V minus u sine theta. And V n two देखो, यहाँ पे hit होने के बाद में क्या है? Velocity एक तो इधर चली जा रही है, that is perfectly along the plane, और ये along the plane है. So its vertical component, perpendicular component क्या होगा? Perpendicular component will be 0. Cos 90 हो गया, so 90, cos 90 will be 0. ये velocity यहाँ पर perfectly along the plane है, so vertical component will be 0. So v n two 0 हो गया. Alright, so v n one v minus u sin theta. So let me write what will be f n. So f n will be m dot. M dot कितना है? Rho a v minus u, this is m dot v m1, so v minus u sin theta and minus v n2 0. ठीक है, m dot ये क्या है, this is my m dot, this is v n1 and v n2, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो, f n will be rho a v minus u square into sin theta. So this is the force exerted by Z in normal direction. Alright, ठीक है, this is the force exerted by Z in normal direction, Fn. कैसे find किया, वही write the Newton's second law in the normal direction. Rate of change of momentum is equal to the force applied. So m dot Vn1 minus Vn2. Before hitting the plate, what is the velocity of z? And after hitting the plate, velocity of z, usko substitute karke, we can find the force exerted by z in normal direction. ठीक है? Now, और क्या find कर सकते हैं? Suppose, हमने fx को find कर लिया, fn find कर लिया, this is fn. But we want to know what is the force in x direction. ये fn है, this is our fn. इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, दैट इज एफ एन, एफ एन,
बट वी वॉन्ट टू नो वट इज द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है एक्स की डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये प्लेट है, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज वी हैव फाइंडेड, ऑल राइट, ये हमने फाइंड किया, क्या फाइंड किया, ये नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स, सॉरी इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है नॉर्मल डायरेक्शन में, सिर्फ एफ एन, और हमको हमको ये फाइंड करना है, ये दिस इज एफ एक्स। सो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना था, दिस वाज द 90 माइनस थीटा। अब इसको ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सो एफ एक्स विल बी, सो आई कैन राइट व्हाट विल बी द फोर्स एग्जर्टेड बाय जेड, सो आई कैन राइट फोर्स एग्जर्टेड बाय जेड इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ऑल राइट। एक्स की डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा, सो ये फोर्स कितना होगा, तो इसका एक कंपोनेंट होगा, सो ये कितना होगा, एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा, ये एफ एन है, दिस इज एफ एन, ये एफ एन है, और ये फाइंड करना है, दिस एंगल कॉस 90 थीटा है, 90 माइनस थीटा, सो एफ एन 90 माइनस थीटा, और एफ एक्स विल बी एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा, सो दिट विल बी एफ एन साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस थीटा सारे पॉजिटिव होंगे, सो एफ एन साइन थीटा। इफ आई प्लेस द वैल्यू ऑफ साइन एफ एन, एफ एन की वैल्यू कहाँ से प्लेस करेंगे, यहाँ से, तो वी कैन राइट एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक साइन थीटा है, एक साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, सो साइन थीटा का होल स्क्वायर, सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय जेड इन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में इतना फोर्स जेड एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड किया, ये वेलोसिटी ट्रायंगल कंप्लीट किया, ट्रायंगल बनाया, दिस इज बी माइनस यू, दिस एंगल 90 माइनस थीटा, सो इट्स वन कंपोनेंट विल बी बी माइनस यू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बिकम साइन थीटा, वी एन वन बी माइनस यू साइन थीटा, एंड आफ्टर रीडिंग द प्लेट परफेक्टली वेलोसिटी अलॉन्ग द प्लेन है, सो इट्स कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेट विल बी जीरो, सो वी एन टू विल बी जीरो, सो वी एन टू जीरो होगा, वी एन वन ये है, प्लेस करके हमने वी एफ एन फाइंड किया, एंड अगेन फ्रॉम एफ एन एक कॉम्पोनेंट फाइंड कर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, सो एफ एक्स आ गया। अगर एफ वाई फाइंड करना है, सो अगेन दे टेक इट्स कॉम्पोनेंट, इसका एक कॉम्पोनेंट ले लो साइन थीटा, सो साइन 90 माइनस थीटा बिकम कॉस थीटा, सो कॉस थीटा करके यू कैन फाइंड आउट एफ वाई, एफ वाई कितना होगा, सो एफ वाई विल बी एफ एन साइन 90 माइनस थीटा, cos theta तो x की डायरेक्शन में हो गया, so sin theta will be, and sin 90 minus theta will be cos theta, so fn and multiply cos theta, fn multiply cos theta it's y component, so it will be rho a v minus u square and sin theta into cos theta, this is the component in y direction, तो ये y direction का force आ गया, ठीक है, but वी आर मोर फोकस्ड टू फाइंड आउट द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एफ एक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि फ्रॉम एफ एक्स वी वॉन्ट टू फाइंड वट इज द वर्क डन बाई द जेड, एफ एक्स से क्या निकालेंगे हम, वट इज द जेड पावर और वट इज द वर्क डन बाई द जेड, ऑलराइट, सो लेट अस कैलकुलेट वट इज द वर्क, वर्क डन बाई द जेड and this in per second or it will be your z power, all right, so work done कैसे define कर रहे हैं,
वर्क डन डिफाइन करते हैं, हाउ वी डिफाइन वर्क डन, वर्क डन का डेफिनेशन, वर्क डन कैसे, नॉर्मल थंब रूल क्या है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस होना चाहिए, बट फोर्स इनटू डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ऑलराइट, हमको जो डिस्प्लेसमेंट लेना है, द डिस्प्लेसमेंट किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसके डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन में प्लेट मूव हो रहा है, प्लेट किधर मूव हो रहा है, एक्स की डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सो ऑब्वियसली हमको जो फोर्स लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, एफ एक्स लेना पड़ेगा. ठीक है, वाई एफ एक्स इज इम्पॉर्टेंट, सो एफ एक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, एफ एक्स इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी हमारा टारगेट रहेगा कि हम पावर कैलकुलेट करें, और पावर के लिए हमको क्या चाहिए, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होना चाहिए. तो अगर मैं बोलूँ कि ये एफ एन है मेरा, सो एफ एन से कैन आई कैलकुलेट दिस पावर, तो एफ एन से नहीं आ सकता है, एफ एन से मुझे एफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन वी विल कैलकुलेट पावर. सो दैट इज वाई फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट. सो व्हाट विल बी डब्ल्यू, सो डब्ल्यू विल बी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, वेलोसिटी ऑफ द प्लेट पर सेकेंड है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, पर सेकेंड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, पर सेकेंड, सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, वॉट बिक ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इट बिकम्स वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्लेट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, प्लेट का हो रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाय टाइम, दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ द डिस्प्लेस द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, सो वेलोसिटी ऑफ द प्लेट इफ मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स इट विल गिव यू वर्क डन बाय द जेड. ठीक है, सो डब्ल्यू, सो डब्ल्यू विल बी पावर, फोर्स कितना है, सो फोर्स वाज द रो ए वी माइनस सी स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा, दिस वाज द फोर्स, and multiply u, so this becomes our power, this is our power. Alright, force in x direction multiply velocity of plate, so it will give you power. Now you can find what will be efficiency, agar find kar raha hai, so we can find what will be the efficiency of z, efficiency of z, so efficiency ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज द आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, सो आउटपुट विल बी वर्क डन, वर्क डन बाय जेड एंड पर सेकेंड, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग इन पर सेकेंड. ऑलराइट, वर्क डन बाय जेड पर सेकेंड, एंड इनपुट, इनपुट में हमारे हमने क्या दिया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड again in per second, kinetic energy of z, so this is the ratio of output and divided by input. All right, output divided by input, so output in the form of the work done by the z and input in the form of the kinetic energy of z. Work done humne calculate kar liya, what is the work done, so rho a u v minus u square and sin square theta, this is the work done, and the kinetic energy of z, isko calculate kar le, what will be kinetic energy of z, kinetic energy of z, kinetic energy of z per second, it will be 1 by 2 m dot v square, m dot ka matlab मास पर केजी पर सेकंड, जो यहाँ पे पर सेकंड है उसको हमने डिवाइड बाय डेव डॉट से कर दिया, बिकॉज द मास फ्लोइंग पर सेकंड, एंड एम डॉट क्या है, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लग, रिमाइंडर दिस विल नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव, हम तो वेलोसिटी को
जेड को वी आर कंटिन्यूअसली सप्लाइंग वेलोसिटी वी, हम जेड को कोई वी आर नहीं दे रहे, जेड को हम कौन सी वेलोसिटी दे रहे हैं, कैपिटल वी, बट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट ये रिलेटिव वेलोसिटी से हिट करेगा, बट द इनपुट साइड में वी आर गिविंग कैपिटल वी वेलोसिटी टू द जेड, सो हाफ एम कैपिटल वी स्क्वायर, एंड एम कितना होगा, सो एम विल बी रो ए वी एंड वी स्क्वायर, दिस इज एम डॉट, एम डॉट रो ए वी, सो द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेड हाफ रो ए एंड वी क्यूब, ऑलराइट, दिस इज हाफ एम डॉट वी स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो, रो ए विल बी कैंसल आउट, सो द एफिशिएंसी विल बी ट्वाइस ऑफ द यू वी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय वी क्यूब, सो दिस विल बी द एफिशिएंसी ऑफ जेड, so again if you can remember this formula to well and good, otherwise you can find out with the help of work done divided by the kinetic energy of z, all right, so this is the efficiency of z, 2u v minus v square sin square theta divided by v, you can find the maximum, what will be the condition of maximum efficiency we find kar sakte ho, theek hai, because this is the function of u, differentiate karke with respect to u and equate to the zero, you can find the what will be the condition of maximum efficiency, so this is how we find the force exerted by z, this is the force exerted by z, ye important hai, and then work done, this is the another important expression, and third one is the efficiency, all right, so let's do a problem based on same concept, so the problem is as follows, so it is saying 75 mm diameter of z, so diameter of z is given to us, 75 mm diameter hai z ka, having the velocity of 25 meter per second strikes the flat plate, the normal of which is inclined at 45 degree to the axis of z, the normal of the plate is inclined 45 degree to the axis of z, so let yahan pe let we have a nozzle, yahan pe hum nozzle bana dete hain, this is the pipe, all right, this is the diameter of the z in the form of circle, and this is the axis of the z, and somewhere here we have a inclined plate, all right, this normal, the normal on the plate, this is the normal, sorry, let me draw once again, so this will be the normal, all right, this is the normal on the plate, and this is the plate, this one is the plate, so what is saying, normal of which is inclined 45 degree to the axis of z, that means ye angle humko kitna diya hua hai, this angle is given to us 45 degree, normal on the plate, so this is the normal on plate, so and this is the axis of the z, this is your axis of z, this z will move with velocity capital v, गिवन क्या क्या है, स्मॉल डी दिया हुआ है, सो डायमीटर ऑफ दिस जेट इज गिवन टू अस 75 mm, तो 75 mm दैट मीन्स 0.075 मीटर, वेलोसिटी ऑफ जेट दैट इज कैपिटल वी दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस थीटा 45 डिग्री, फाइंड द नॉर्मल प्रेशर ऑन द प्लेट, सो हमको नॉर्मल फोर्स यहाँ पे फाइंड करना है, नॉर्मल डायरेक्शन में वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स एफ एन, फर्स्ट केस में वेन द प्लेट इज स्टेशनरी, सो वेन दिस प्लेट इज फिक्सड, जब हमने इस प्लेट को फिक्स किया हुआ है,
means it is fixed. So in that case, what is the Fn? So let me case 1, when plate is stationary. Plate is stationary. So Fn का expression क्या था? So Fn will be, जब stationary है, so relative का कोई concept ही नहीं है, so it will rho a v square into sin theta. अगर expression याद है तो well and good, otherwise you can derive what is this is the इस direction में velocity क्या है, what will be the velocity in x direction, so this is v. So its component in normal direction will be, component will be v, ये angle कितना है, ये angle कितना है, sorry ये angle theta है, तो कितना हो जाएगा cos, हमने कौन सा angle लिया था, ये angle हमने theta लिया था, ये angle theta लिया था, so ये angle क्या हो गया था 90 minus theta, this becomes 90 minus theta, so 90 minus theta की value दी हुई है, 90 minus theta 45 दिया हुआ है, 90 minus theta 45 है, in this 90 minus theta 45. Derivation में हमने जो theta लिया है, so theta was the axis and the plate, ये angle हमने theta लिया हुआ है, that means indirectly it is 90 minus theta, so 90 minus theta आपको 45 दिया हुआ है, so ये component कितना था, Fn cos 90 minus theta, so it becomes इस direction में velocity कितनी हो जाती थी हमारी, so if this was the v, so ये v minus cos 90 minus theta, इधर क्या था v cos 90 minus theta, ultimately it becomes v sin theta, ultimately v cos theta, ये क्या हो जाता था, this becomes v sin theta, so v n1 v sin theta, v n1 v sin theta, and v n2 after hitting the plate, v n2 तो है ही नहीं, ये direction में velocity है, ये direction में normal direction में कोई velocity है, so v n2 zero, and m dot was rho a v, so rho a v v n1 minus v n2, rho a v v square sin theta, just we place these values, ये तो बता दिया किस तरह से derive करना है, otherwise, so rho density of the water, area of the z, so pi by 4 d square, तो d 0.075, ये क्या है, this is area, velocity of z 25 square, v square into sine 45 degree, just calculate कर लो, you will get the answer, rho a v square sine theta, this is rho, this is a v square and sine theta, it will come out 1.952 kilo newton, so ये पहले part का answer है, so this is the Fn, normal force ही find करना है, हमको क्या find करना है, normal force, otherwise यहाँ से Fx find करना होता, तो Fx कितना हो जाता, Fx, so Fx becomes Fn sin theta, ठीक है, और यहां से डायरेक्टली rho a v square sin square theta भी यूज कर सकते हो, so यहां पे Fx पूछा ही नहीं, हमको नॉर्मल फोर्स पूछा हुआ है, so rho a v square sin theta, बस ये सॉल्व करते समय ये ध्यान देना है कि what we have in the derivation, what was our theta, हमारा जो theta था, it is the axis of the z and the axis of this along the plane, ये plane और ये axis, ये वाला angle, this was theta, so अगर ये theta है, तो ये theta होगा, and this becomes 90 minus theta, so question में 90 minus theta दिया हुआ है, alright, second case में what is when the plate is moving with velocity 15 meter per second in the direction of the z away from the z, again this is the important, away from the z, that means दूसरे केस में अगर draw करें, so this one is the plate and this is the velocity of the z capital V, and this plate is moving
अवे फ्रॉम दी जेड दैट इज यू, वी दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड एंड यू 15 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड. सो इन द सेकेंड पार्ट व्हाट विल बी एफ एन, फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन. सो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा नॉर्मल डायरेक्शन में. सो दिस वॉज द रो ए वी माइनस यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा. और नहीं है तो यू कैन फाइंड आउट दिस विल बी द वेलोसिटी वी माइनस यू एंड इट्स कंपोनेंट विल बी वी माइनस यू कॉस 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स द कॉस सॉरी वी माइनस यू साइन थीटा. सो वी एन वन v minus u sin theta and v n to 0 and m dot will be rho a v minus u relative velocity. So rho a v minus u ka square ho jaye. So this is f n. ठीक है. So f n calculate कर लो. F n rho 10 power 3 into area pi by 4.075 square into v 25 माइनस यू 15 स्क्वायर एंड इनटू साइन 45. ऑलराइट, कैलकुलेट कर लो. सो एफ एन ये आ जाएगा 312.4 न्यूटन. ये दूसरे पार्ट का आंसर है. ऑलराइट, रो ए वी माइनस फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला वेल एंड गुड, अदरवाइज आप यहां से डायरेक्टली फाइंड आउट करके यू कैन कैलकुलेट. और कुछ पूछा है. अगेन यहां पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवे फ्रॉम द जेड का मतलब है ये डायरेक्शन है, दिस ये डायरेक्शन है. सो वी आर टेकिंग वी माइनस यू एज अ रिलेटिव वेलोसिटी. ऑलराइट, क्या है, दिस इज अवे अवे फ्रॉम जेड, z से दूर जा रहा है. सपोज अगर क्वेश्चन में बोला इट इज प्लेट की वेलोसिटी, इफ द प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स द z इधर हो जाता है. द प्लेट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द z विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड. सो उस केस में क्या होता है, सो m डॉट क्या हो जाता है, रो a v प्लस u हो जाता है. रिलेटिव वेलोसिटी इस साइड में v और इस साइड में u. सो द रिलेटिव वेलोसिटी बिकम्स v माइनस माइनस यू. इफ दिस इज प्लस यू तो ये क्या हो जाता, माइनस यू. सो v माइनस माइनस यू. ऑलराइट, बिकॉज द वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी. अगर हमने राइट इस साइड को पॉजिटिव लिया है सो ऑब्वियसली दिस बिकम्स नेगेटिव. ऑलराइट, एक साइड को पॉजिटिव लिया है तो ये दिस ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो बिकम माइनस यू एंड वी माइनस माइनस यू, दैट मींस वी प्लस यू. सो दैट केस रिलेटिव वेलोसिटी जहां जहां पे वी है वहां वहां पे क्या करेंगे, यू इज रिप्लेस्ड बाय माइनस यू. तो जहां जहां पे यू दिख रहा है रिप्लेस बाय माइनस यू. इफ द वेलोसिटी इज टूवर्ड्स द प्लेट टूवर्ड्स द जेड, दिस अवे की जगह पे क्या दिया है, टूवर्ड्स द जेड, तो ये चेंज कर लेते हैं. बट इस क्वेश्चन पे ऐसा नहीं, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द जेड. सो वी माइनस यू इज डिटरमाइन द पावर भी फाइंड करना है, एफिशिएंसी ऑफ द जेड. सो पावर के लिए क्या फाइंड कर लेते हैं, सो व्हाट विल बी द पावर. सो पावर पावर विल बी एफ एक्स मल्टीप्लाई यू. अब यहाँ पे एफ एक्स नहीं है, सो वी हैव टू कैलकुलेट एफ एक्स. सो एफ एक्स कितना हो जाएगा, सो एफ एक्स विल बी एफ एन साइन 45 एंड मल्टीप्लाई यू. ऑलराइट, ये डायरेक्शन में दिस अभी नॉर्मल फोर्स इधर है, दिस इज एफ एन, ये एंगल 45 है. सो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ एन कॉस या साइन दोनों एक ही है, सो दिस विल बी एफ एन साइन 45. So, Fn is कितना है? Fn is 312.4 into sin 45, 1 by root 2, velocity of 15 meter. इसको calculate कर लो, so this will come 3.313
एंड इन न्यूटन, सो दिस विल बी वॉट, विल बी इन वॉट, 3.313 वॉट. राइट, पावर के लिए या तो यू डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू यू, वहां से भी हो जाएगा. अदरवाइज एफ एक्स मल्टीप्लाई यू, सो एफ एक्स एफ एक्स एफ एन से एफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे, सो एफ एन इंटू साइन थीटा. एफिशियंसी, एफिशियंसी कैसे निकालेंगे, सो द जेड पावर, सो एफिशियंसी आउटपुट, आउटपुट इज जेड पावर एंड द इनपुट काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड. ठीक है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. फाइंड कर लो आउटपुट कितना है, 3.313 काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड, हाफ रो ए वी क्यूब, हाफ रो ए वी क्यूब. बस सिंप्लीफाई कर लेना इसको, रो 10 पावर 3 एरिया पाई बाय 4d² वी की वैल्यू सब रख के यू कैन फाइंड आउट. सो दिस विल बी 3.313 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय रो 10 पावर 3 एरिया पाई बाय 4.075 स्क्वायर. सो दिस इज एरिया पाई बाय 4d² एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 25 एंड इट्स क्यूब. सिंप्लीफाई कर लेना, यू विल गेट योर आंसर. सो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आएगा, सो इट विल कम आउट 0.0960, दैट इज 9.6%. सो दैट विल बी द आंसर ऑफ रिमेनिंग पार्ट, 9.6. अदरवाइज यहां से क्या दूसरा अगर फॉर्मूला यूज करना है, सो व्हाट विल बी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, 2u v माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी क्यूब. एंड यहाँ पे इंक्लाइन है, सो इट विल बी मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा, 2u v माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वी क्यूब. ठीक है, यहां से भी डायरेक्टली यू कैन यूज करके यू कैन फाइंड आउट. अदरवाइज z पावर डिवाइडेड बाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ z. z पावर कैसे निकालेंगे, सो एफ एक्स मल्टीप्लाई यू, एफ एक्स कैसे, एफ एन मल्टीप्लाई एफ एन इंटू साइन थीटा, और एफ एन कहाँ से निकालेंगे, पाई बाई फोर, इसको मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट. ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, कहीं कुछ न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम तो नहीं. नहीं, बराबर है, 312.4 न्यूटन. एंड चेक कर लेना थोड़ा सा, बस प्लस एंड माइनस में कहीं पर नीचे हो सकता है. सो दिस इज इन वॉट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड हाफ रो ए वी स्क्वायर, सो दिस इज ए, दिस इज वी स्क्वायर, दिस इज 10 पावर 3, ऑल राइट, बराबर ही है. सो डिवाइडेड बाय दिस, सो 0.9 अप्रॉक्सिमेटली 9.6% आ जाएगा. सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट में प्लेट स्टेशनरी था, सो दिस वॉज द नॉर्मल फोर्स, एंड व्हेन इट इज मूविंग सो साइन थीटा और v माइनस यू आ जाएगा, v माइनस यू. ठीक है, समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा. फर्स्ट पार्ट में स्टेशनरी करके सॉल्व करना है, एक ही फॉर्मूला याद रखोगे तो भी चलेगा. यहाँ पे v माइनस यू आप केवल इतना याद रखो, रो ए v माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा, ये एफ एन है. अगर स्टेशनरी है, इफ इट इज स्टेशनरी, सो यू is zero. Velocity of plate आप zero करके solve करो. ठीक है, let's look another question. Here we have to derive something. जहाँ पे he wanted, what he wanted, derive an expression. So he wanted an expression to derive for the normal force. So हमको एक Fn का normal force का equation find करना है. Fn exerted by the water jet on an inclined flat plate when the plate is moving with a uniform velocity parallel to itself and in the direction of the and in the direction of the normal of its surface.
ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड बाय वाटर जेट, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे वाटर जेट है विच इज कमिंग आउट थ्रू वेयर सम वेलोसिटी, लेट बी कॉल्ड दिस कैपिटल वी, कैपिटल वी से जेट आ रहा है, सो हियर वी हैव अ जेट, ऑलराइट, दिस इज द एक्सेस ऑफ जेट, दिस इज एक्सेस ऑफ जेट एंड दिस इज योर प्लेट, प्लेट एंड दिस प्लेट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ, सो वेलोसिटी जो है प्लेट की, ये प्लेट की वेलोसिटी एंड इट इज मूविंग, लेट मी कॉल दिस एज ए यू, वेलोसिटी ऑफ प्लेट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेट, ऑलराइट, वेलोसिटी ऑफ प्लेट, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स फाइंड करना है, दैट मींस इट इज इंक्लाइंड सम एंगल, ये ऑलरेडी इंक्लाइंड ही है, ये ऑलरेडी हमको क्या फाइंड करना है, नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड बाय जेड फाइंड करना है, सो लेट दिस एंगल बी कॉल्ड एज अ थीटा, ये एंगल मेरा थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द नॉर्मल ऑन द प्लेट, दिस विल बी नॉर्मल, ये मेरा नॉर्मल हो गया, एंड द प्लेट इट इज मूविंग पैरेलल टू इट्स एंड इन द डायरेक्शन, किधर की डायरेक्शन में मूव करना है, नॉर्मल टू इट्स सरफेस, सो दिस प्लेट जो मूव हो रहा है, दिस प्लेट इज मूविंग इन द नॉर्मल टू द नॉर्मल की डायरेक्शन में, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, ये डायरेक्शन नॉर्मल है, सेम डायरेक्शन में प्लेट इज मूविंग विद वेलोसिटी यू, ऑलराइट, सो इन दिस डायरेक्शन द वेलोसिटी ऑफ प्लेट इज यू, इस डायरेक्शन में यू नहीं है, इस डायरेक्शन में यू है, यहां यू दिया हुआ है क्योंकि ये नॉर्मल की डायरेक्शन है, समझो, वेलोसिटी किधर है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू इट्स सरफेस, सो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, इस नॉर्मल डायरेक्शन में ये यू वेलोसिटी है, इससे पहले हमने प्लेट को मूव किया था, सो प्लेट वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एक्स की डायरेक्शन, बट यहां पे प्लेट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया हुआ, इन द नॉर्मल डायरेक्शन, सो दैट इज द डिफरेंस, तो थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना, सो वेलोसिटी ऑफ जेड इज गिवन टू अस, सो दिस इज द वी, दिस इज द नॉर्मल, लेट दिस एंगल इज थीटा, और इस डायरेक्शन में जेड प्लेट की वेलोसिटी क्या है, दिस इज योर यू, वेलोसिटी इन द नॉर्मल डायरेक्शन, सो अगेन व्हाट इज द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, सो फोर्स, फोर्स एग्जर्टेड बाय जेड इन नॉर्मल डायरेक्शन, सेम वही न्यूटन सेकेंड लॉ, नॉर्मल डायरेक्शन में क्या करेंगे, सो एफ एन विल बी एम डॉट, फर्स्ट वी राइट वी एन वन माइनस वी एन टू, ऑलराइट, वी एन वन माइनस वी एन टू, वी एन वन माइनस, बिकॉज नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स फाइंड करना है, सो वी एन वन माइनस वी एन टू, इस लेट अस फाइंड फर्स्ट वी एन वन, सो वी एन वन क्या होगा, सो लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ऑल राइट, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ये कंपोनेंट कितना है, दिस इज योर वी, ऑल राइट, वी है, सो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, नॉर्मल टू दी सरफेस कितना हो जाएगा, सो व्हाट विल बी कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, सो दिस विल बी वी कॉस थीटा, दिस एंगल इज थीटा, इज 90 माइनस थीटा नहीं है, इस बार थीटा, दिस इज थीटा, सो वी एंड दिस इज वी कॉस थीटा, ये पूरा क्या है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बन गया, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल है एंड दिस इज वी, सो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इफ दिस एंगल इज थीटा, सो इट्स कंपोनेंट विल बी वी कॉस थीटा, सो वेलोसिटी ऑफ जेड नॉर्मल टू द सरफेस वी कॉस थीटा, बट प्लेट की वेलोसिटी क्या है, इन द नॉर्मल डायरेक्शन, सो इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी, इज मूविंग विथ वेलोसिटी यू,
सो द नेट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वी एन वन क्या हो जाएगा, वी एन वन सो दैट विल बी वी कॉस थीटा एंड माइनस यू. ऑल राइट, वी एन वन विल बी वी कॉस थीटा माइनस यू. वॉट इज द रिलेटिव वेलोसिटी इन द नॉर्मल डायरेक्शन, नेट वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन. सो नॉर्मल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा इज द वेलोसिटी ऑफ जेड एंड यू इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट. सो द नेट रिलेटिव वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन में हो जाएगा वी कॉस थीटा माइनस यू. एंड वी एन टू अगेन आफ्टर हिटिंग द प्लेट वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, सो इट्स नॉर्मल कंपोनेंट बिकम्स जीरो. सो वी एन टू बिकम्स जीरो. सो वी कॉस थीटा माइनस यू इट इज द वी एन वन एंड वी एन टू इज जीरो. वी एन टू जीरो हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी विल बी अलॉन्ग द प्लेट इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में. नॉर्मल कंपोनेंट आफ्टर हिटिंग द प्लेट बिकम्स जीरो. सो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज मास फ्लो रेट, कितना हिट करेगा प्लेट को. मास फ्लो रेट के लिए अगेन वी हैव टू टेक द रिलेटिव वेलोसिटी. तो वेलोसिटी ऑफ जेड इज वी. मास फ्लो रेट क्या होगा, एम डॉट, एम डॉट विल बी रो ए वी आर, रिलेटिव वेलोसिटी. व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, वो हमको फाइंड करना पड़ेगा. बिकॉज पहले वाले केस में क्या था, ये था प्लेट, ये था जेड और ये था यू. वेलोसिटी ऑफ जेड वॉज वी, वेलोसिटी ऑफ प्लेट वॉज यू, बोथ आर इन द एक्स एक्सिस, दोनों एक्स की डायरेक्शन में थे. सो वी हैव टेकन वी आर, रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिए थे, वी आर वी माइनस यू. बट अभी यू इधर है, इधर है यू, दिस इज द डायरेक्ट. सो लेट अस फाइंड द कंपोनेंट ऑफ यू इन द एक्स एक्सिस, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. इसका एक कंपोनेंट इधर फाइंड करना पड़ेगा एक्स की डायरेक्शन में. सो लेट अस फाइंड दैट, किस तरह से फाइंड करेंगे. सो लेट मी ड्रॉ हियर. सो दिस इज वी एन वन. सो ये क्या है, दिस इज योर, ये यू है. जस्ट अ मिनट, हाँ दिस इज योर यू, ये यू है, यू. ठीक है, तो यहां पे यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, यहां पे क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर बना दे. दिस एंगल इज 90 डिग्री. ऑलराइट, ठीक है, हमने यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया. दूसरे पेज पे ले लेते हैं. सो किस तरह से बनाया है, ये मेरा यू था, ये राइट एंगल है और ये एफ एक्स है. दिस इज योर एफ एक्स, दिस इज योर यू, ये राइट एंगल है. ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स थीटा. ठीक है, थीटा ही होगा ना, ये थीटा है, दिस थीटा. सो ये वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया. सो दिस इज थीटा और मुझे ये फाइंड करना है, ये फाइंड कर रहे हैं. दिस इज ए बी एंड सी. सो ए सी फाइंड करना है, ए टू सी. ठीक है, ए टू सी फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे, व्हाट, किस तरह से फाइंड करेंगे. सो आई विल राइट, आई कैन राइट इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या होगा, सो कॉस थीटा विल बी ए बी अपॉन ए सी. cos theta, this angle is theta, so cos theta will be base, this becomes base and this becomes hypotenuse, so base upon hypotenuse. So I can further write this equation AC, AC is equal to AB upon cos theta. What is AB? A to B is U. So this is U upon cos theta. That means velocity along x-axis, what ho jayega? Velocity of plate along x-axis, velocity of plate along x-axis क्या हो जाएगा, so it becomes u over cos theta. ठीक है, इस direction में velocity u over cos
थीटा। वेलोसिटी ऑफ जेड क्या है? वी। सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेड स्ट्राइकिंग द प्लेट कितना हो जाएगा? सो इट विल बी वी माइनस यू ओवर कॉस थीटा। सो मास फ्लो रेट एम डॉट हो जाएगा रो ए वी आर। ऑल राइट, मास फ्लो रेट रो ए वी आर एंड दिस इज वी आर। ये क्या है? वी आर। सो एम डॉट रो ए वी माइनस यू कॉस थीटा। सो ये मेरा एम डॉट आ गया, एम डॉट। अब यहां से आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एम डॉट वी एन वन, दिस इज योर वी एन वन एंड वी एन टू एंड वी कैन कैलकुलेट एफ एन। सो एफ एन विल बी एम डॉट। सो एम डॉट इज रो ए वी माइनस यू कॉस थीटा एंड वी एन वन, वी एन वन। सो वी एन वन वी माइनस यू, सॉरी वी कॉस थीटा माइनस यू एंड माइनस वी एन टू जीरो। इसको थोड़ा एलसीएम लेके यू कैन सिंप्लीफाई कर लो। रो ए इधर मल्टीप्लाई कर देते हो, सो दिस बिकम वी कॉस थीटा माइनस यू कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हुआ? दिस बिकम्स वी कॉस थीटा माइनस यू। थोड़ा सा और, तो से रो ए वी कॉस थीटा माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, दिस इज एफ एन। सो ये हमें फाइंड करना था। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द नॉर्मल फोर्स इन, ऑल राइट, द फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो यहां पे क्या है? यहां पे प्लेट इज मूविंग इन द नॉर्मल डायरेक्शन। सो इन नॉर्मल डायरेक्शन में इज यू इज गिवन टू अस, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लिखा है। सो फॉर मास फ्लो रेट वी नीड कंपोनेंट ऑफ यू अलोंग एक्स एक्सिस, इसके एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट चाहिए। सो वी हैव परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, रिमेंबर दिस इज द रिजल्टेंट, हाँ दिस इज द रिजल्टेंट, दिस विल बी योर रिजल्ट। कोई बोले कि ये कॉस थीटा कर दिया, यहाँ पे यू कॉस थीटा क्यों नहीं किया? सो रिमेंबर दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, पैरेललोग्राम बना के इसको कंप्लीट करना है। सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। कोई ये कह सकता है कि यू कॉस थीटा क्यों नहीं किया? ये एंगल थीटा है, इसका प्रोजेक्शन ले लो, तो ये नहीं फाइंड करना है भाई। ये यू कॉस थीटा यहां से यहां तक होता, बट दिस इज नॉट वी हैव टू फाइंड। वी इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, माइंड वी इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी दिस बिकम्स यू कॉस थीटा, यू ओवर कॉस थीटा, दिस बिकम्स यू साइन थीटा। रिजल्टेंट विल बी योर वी यू, सॉरी नॉट वी यू। सो यू विल बी योर रिजल्टेंट वेलोसिटी। सो रिजल्टेंट के लिए यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, ये एंगल परपेंडिकुलर होगा। सो वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन विल बी यू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। सो मास फ्लो रेट के लिए क्या लेंगे? वी माइनस यू कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिया हुआ है। मास फ्लो रेट के लिए वी माइनस यू ओवर कॉस थीटा, रिमेम्बर यू ओवर कॉस थीटा। जबकि यहाँ पे क्या था? वी एन वन के लिए वी हैव टेकन इट्स कंपोनेंट, सो वी कॉस थीटा इन द नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लें, वी कॉस थीटा ये है एंड दिस इज यू कॉस, यू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें आधार चैनल। ओके, थैंक यू।